प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स, हेलो एरिन्स को प्रिपेयर करने के कौन कौन से तरीके हैं वो अभी हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो पहला जो इसका तरीका है वो है बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। द फर्स्ट मेथोडोलॉजी इज बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ऑलराइट, किसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? ऑब्वियसली बेंजीन का एंड सब्स्टिट्यूशन बेंजीन का, ठीक है, बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, इनका हम लोग करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब ये देखिए, इसके नाम में देखिए इलेक्ट्रोफिलिक, मतलब यहां पर अटैक करने वाली स्पीशीज कौन होगी? इलेक्ट्रोफाइल होगी। एंड दूसरा चीज यहां पर बोल रखा है सब्स्टिट्यूशन, तो जैसे कि सब्स्टिट्यूशन का मतलब मैंने अभी बताया था आपको, क्या होता है सब्स्टिट्यूशन, कि एक गया तो दूसरा उसकी जगह पर आया, दैट इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन। एक जाता है उसकी जगह पर दूसरा आता है, दैट इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन। और एडिशन का मतलब क्या है? कि अलग से कोई आया और एड अप हुआ, यहां पर कोई गया नहीं, ओके, तो एडिशन सब्स्टिट्यूशन। और यहां पर कौन है? इलेक्ट्रोफिलिक, मतलब इलेक्ट्रोफाइल यहां पर इन्वॉल्व है, तो बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, राइट, ओके। तो ये जो रिएक्शन है ये कुछ ऐसे चलती है, देखिए लेट्स से कि दिस इज अ बेंजीन, ये मैंने बनाया एक बेंजीन, ऑलराइट, बेंजीन का रिएक्शन विद हैलोजन, बेंजीन रिएक्ट विद हैलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ अ लुइस एसिड, इन द प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड, लुइस एसिड की प्रेजेंस में काम होता है, और जो एटमॉस्फेयर होता है वो डार्क होता है, ठीक है, डार्क। तो बेंजीन रिएक्ट विद हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ अ लुइस एसिड एंड डार्क होता है यहां पर, और इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि बेंजीन के ऊपर आ जाएगा हैलोजन, इससे क्या होगा? बेंजीन के ऊपर आ जाएगा हैलोजन एंड HX यहां पर बन करके अलग हो जाएगा, ठीक है, HX यहां पर बन करके अलग हो जाएगा बेंजीन। तो यहां पर आपने क्या प्रोड्यूस करवाया, यहां पर आपने क्या प्रोड्यूस कराया? बेंजीन में हाइड्रोजन निकाला और हाइड्रोजन की जगह पर वहां पर आपने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया? एक हैलोजन, राइट। तो क्या प्रिपेयर हुआ? ये प्रिपेयर हुआ एक हेलो अरेंज, ऑलराइट, ओके। अब ये जो यहां पर एक्स है, एक्स कैन बी क्लोरीन और ब्रोमीन, एक्स जो है यहां पर क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है। आयोडीन नहीं होता है एंड फ्लोरीन नहीं होता है, क्यों नहीं होता? आयोडीन के लिए एक अलग प्रोसीजर है, क्योंकि आयोडीन का जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल हो जाता है, इसलिए आयोडीन के लिए थोड़ा सा हमको कुछ उसमें एक्स्ट्रा इनपुट करना होता है। एंड फ्लोरीन के साथ ये प्रॉब्लम है कि फ्लोरीन इज हाईली रिएक्टिव, तो फ्लोरीन का जो प्रोसेस है उसको हम लोग को स्टेप वाइज करना पड़ता है, एग्जैक्टली वैसा ही जैसे आपने एल्काइल हैलाइड में देखा था। तो ये जो मेथोडोलॉजी है इट इज फॉर क्लोरीन एंड बेंजीन, ठीक है, सॉरी ब्रोमीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। अब ये जरूरी नहीं कि बेंजीन हो, ये हो सकता है सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हो। एक एग्जांपल के लिए जैसा ये ले लेते हैं, लेट्स से कि ये मैंने ले लिया टोल्यून, ये देखिए दिस इज टोल्यून। टोल्यून का रिएक्शन हम लोग हेलोजन से कराएंगे, सेम इन प्रेजेंस ऑफ अ लुइस एसिड एंड डार्क होना चाहिए, ओके। तो इससे क्या होगा? इससे वही होगा जैसा ऊपर दिखाया है। तो एक ये होगा कि ऑर्थो पोजिशन पे हेलोजन आ जाएगा, एंड दूसरा यहां पर ये होगा कि पैरा पोजिशन पे हेलोजन आएगा, ओके। तो ये जो बना, ये जो फर्स्ट स्पीशीज बन करके आई, दिस इज ऑर्थो हेलो टोल्यून, एंड ये जो दूसरा बन करके आया दिस इज पैरा हेलो टोल्यून, पैरा हेलो टोल्यून, राइट। तो बेंजीन हो या सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हो, जब आप यहां पर रिएक्शन करेंगे हैलोजन के साथ तो एक हाइड्रोजन निकलेगा और उसकी जगह पर क्या आ जाएगा? हेलोजन। उसकी जगह पर क्या आ जाएगा? हेलोजन, ऑलराइट। और साथ में जो HX बन के अलग होगा वो तो होएगा ही। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग बैलेंसिंग के ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं, हमारा मेन मकसद होता है कि जिससे हमको मतलब होता है हम वही लिखते हैं, ऑलराइट। तो यहां पर HX भी प्रोड्यूस हुआ होगा, बट ओके। अब देखिए यहां पर आप एक चीज नोटिस करो, बेंजीन में तो चलो ठीक है एक हाइड्रोजन हटा वहां पर हेलोजन आकर के जुड़ गया, लेकिन टोल्यून के मामले में जो यहां पर हेलोजन जुड़ा वो एक तो ऑर्थो पोजिशन पे जुड़ा और एक जुड़ा पैरा पोजिशन पे। आपको क्या लगता है कि कौन यहां पर मेजरली प्रोड्यूस होगा, कौन माइनरली प्रोड्यूस होगा, कौन यहां पर मेजर होगा, कौन यहां पर माइनर होगा?
तो आप ये बात जानते हैं, जो सिमेट्रिकल होता है वही स्टेबल भी होता है, और जो स्टेबल होता है उसके प्रोडक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो अगर कोई मेजर और माइनर की बात करे तो ये जो पैरा पोजिशन वाला है, पैरा हेलोटोल्यून, ये मेजरली प्रोड्यूस होगा, जबकि ये जो पहला वाला है ये माइनरली प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये जो होगा ये फर्स्ट वाला माइनर एंड दूसरा वाला मेजर। अब इसका ये मतलब नहीं है कि माइनर बिल्कुल ही प्रोड्यूस नहीं होगा, होगा, कम प्रोड्यूस होगा। एंड ये जो पैरा वाला है, पैरा हेलोटोल्यून, ये ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। लेकिन जो आपको रिजल्ट मिलेगा ना, वो एक मिक्सचर मिलेगा, जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो एक मिक्सचर मिलेगा, और उस मिक्सचर में आप देखेंगे कि ऑर्थो भी है, पैरा भी है, लेकिन प्रॉब्लम हो जाएगी सेपरेशन की, आप इसको सेपरेट कैसे करेंगे। ठीक है, तो सेपरेट करने का हमारे पास मेथोडोलॉजी क्या है? तो देखिए, ये जो पहला वाला है ना, ये जो पहली वाली स्पीशीज है ऑर्थो, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो लो होगा, इट विल हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट, जबकि पैरा वाले का होगा हाई मेल्टिंग पॉइंट। पैरा वाले का क्या होगा? हाई मेल्टिंग पॉइंट। ऑर्थो का होगा लो मेल्टिंग पॉइंट, पैरा वाले का होगा हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब आप सोचिए, क्या आप मेल्टिंग पॉइंट के डिफरेंस से, इनको सेपरेट कर सकते हैं? यस। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि दिस स्पीशीज कैन बी सेपरेटेड बाय डिफरेंस ऑफ देयर मेल्टिंग पॉइंट। इनको सेपरेट किया जा सकता है बाय द डिफरेंस ऑफ देयर मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, ऑलराइट। अब दूसरी चीज यहां पर ये आपके मन में आ रही होगी कि ये लुइस एसिड क्या होते हैं, लुइस एसिड। तो देखिए, ये जो लुइस एसिड है हमारे पास, इनका जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल, और भी कई सारे हो सकते हैं, बट द जनरल फॉर्मूला इज MX3 और MX2। यहां पर M का मतलब होता है मेटल, ऑलराइट, और X का मतलब क्या हो गया? हैलोजन हो गया। जैसे कुछ इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, टेक सम ऑफ द एग्जांपल्स, लाइक जैसे अगर मैं बोलता हूं FeCl3, ये देखिए FeCl3, तो FeCl3 एक लुइस एसिड है। उसी तरीके से AlCl3, ये एक लुइस एसिड है, किस टाइप का? MX3 टाइप का। MX2 टाइप के अगर हम लोग देखें तो MX2 टाइप में देखिए, जैसे FeCl2 हो गया, AlCl2 हो गया, राइट? तो ये जो है ये MX2 टाइप का है। उसी तरीके से जैसे ZnCl2 ये हो गया, है ना, ZnBr2, ये देखिए ये भी MX2 टाइप का हो गया। इसके अलावा और भी कई सारे आपको मिलेंगे, जैसे BF3। अब यहाँ पर देखिए, ये जो BF3 है, बोरॉन इज नॉट अ मेटल, लेकिन फिर भी ये एक लुइस एसिड है। ठीक है, फिर भी जो है ये एक लुइस एसिड है, तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ BF3। अभी जो लुइस एसिड होते हैं, ये एक्चुअली कौन होते हैं? हु आर द लुइस एसिड? तो आपने लास्ट ईयर एसिड बेस वाले चैप्टर में एसिड के तीन कॉन्सेप्ट पढ़े थे, RNS थ्योरी, लुइस एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट, एंड ब्रॉन्स्टेड थ्योरी पढ़ा था आप लोगों ने। तो RNS में आपने क्या पढ़ा था कि जो सब्सटेंस H+ को रिलीज करते हैं वो एसिड होते हैं, एंड जो OH- को रिलीज करते हैं वो बेस होते हैं। तो ये RNS थ्योरी थी। RNS थ्योरी के अपने एक लिमिटेशंस हुआ करते थे कि ऐसे जो कंपाउंड जिनके पास ना तो H+ है ना तो OH- है, उनके बारे में वो जानकारी नहीं दे सकता था। जैसे कोई आपको बोले कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, क्या वो एसिड है कि बेस है, तो RNS के बेसिस पे आप उसको नहीं बता सकते थे कि वो एसिड है कि बेस है। दूसरी थ्योरी थी लुइस कॉन्सेप्ट। तो लुइस कॉन्सेप्ट ये बोलता था कि जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करे वो एसिड होते हैं, एंड जो लोन पेयर को डोनेट करे वो बेस होते हैं। याद आया? थोड़ा थोड़ा याद आया। तो हु आर द लुइस एसिड? तो चलिए मैं यहां पर लिख देता हूं साइड में, लुइस एसिड वो होते हैं जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करें, दैट आर नोन एज लुइस एसिड। अब सवाल है कि ये लोन पेयर को एक्सेप्ट क्यों करेंगे, तो लोन पेयर को वही एक्सेप्ट करता है जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी हो, जैसे इस केस में देखिए FeCl3 को देखिए, तो आयरन के चारों तरफ तीन ही क्लोरीन मौजूद है। ये देखो जरा FeCl3, यहां पर देखो इसका स्ट्रक्चर, ये आयरन है, ठीक है, और एक Cl यहां, दूसरा Cl यहां, तीसरा Cl यहां। तो हर एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं,
तो आप नोट करिए कि आयरन के पास एक्चुअली कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, तो तीन बॉन्ड है, हर एक में दो इलेक्ट्रॉन, तो 3 2 6 इलेक्ट्रॉन, तो आयरन के पास ओनली 6 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? क्या ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? क्या आयरन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है? यस डेफिनेटली, क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है इसके पास। और जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो डेफिनेटली ये लोन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे। एक और एग्जांपल देखो, जैसे BF3 का देखो, ये एक फ्लोरीन, ये दूसरा फ्लोरीन और ये तीसरा फ्लोरीन, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, राइट। अब हर एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो तीन बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब आप नोट करिए कि क्या ये जो बोरोन है, BF3 मतलब ये बोरोन है, क्या बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है? यस, दो इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्या ये लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा? यस, इसलिए BF3 इज अ लोएस्ट एसिड। तो जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं उन्हें हम लोग लोएस एसिड बोलते हैं, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है, इनके पास इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी होती है, इसीलिए इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करते हैं और इन्हें हम लोग लोएस एसिड बोलते हैं। और एग्जांपल तो मैंने दे ही दिया है लोएस एसिड के, देखो FeCl3 है, AlCl3 है, FeCl2, AlCl2, BF3, ZnCl2, ZnBr2, इसके अलावा और भी बहुत सारे हो सकते हैं, बट अपना इतने में काम चल जाएगा, ओके। दूसरा, ये जो लुइस बेस होते हैं, लुइस बेस कौन होते हैं? जो लोन पेयर को डोनेट कर पाए, जो लोन पेयर को डोनेट कर पाए वो लुइस बेस होते हैं। अब यार, अगर आपको लोन पेयर डोनेट करना है तो आपके खुद के पास तो लोन पेयर होना चाहिए ना। अगर आपको लोन पेयर डोनेट करना है तो आपके खुद के पास लोन पेयर होना चाहिए। तो ऐसे स्पीशीज जिनके पास लोन पेयर है और वो डोनेट कर सकते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं लुइस बेस। जैसे एग्जाम्पल के लिए NH3 अमोनिया, तो देखो जैसे अमोनिया में अगर आप नाइट्रोजन को ऑब्जर्व करो तो क्या नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है? यस yes। क्या ये नाइट्रोजन लोन पेयर को डोनेट कर सकता है? कर सकता है, इसलिए अमोनिया इज अ बेस, अमोनिया एक बेस है। अच्छा, क्या वाटर एक बेस है? जरा सोचो, क्या एक वाटर एक बेस है? इज वाटर अ बेस? यस, क्योंकि ऑक्सीजन के पास देखो दो लोन पेयर है। तो क्या ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को डोनेट कर सकता है? कर सकता है और करता भी है। आपने देखिए, जो एल्काइल हैलाइड में जितनी भी रिएक्शंस पड़ी थी, आपने उसमें देखा ना कि हर बार दूसरे को उकसाने वाला कौन था? ऑक्सीजन था। दूसरे को उकसाने वाला कौन था? ऑक्सीजन था, भले वो अल्कोहल था, अल्कोहल का ऑक्सीजन है। देखिए ROH का जो रिएक्शन हमने देखा था, ROH में जो ऑक्सीजन था उसके पास लोन पेयर थे और लोन पेयर वो क्या कर रहा था? डोनेट कर रहा था दूसरे को। जैसे वो PCl5 का एग्जांपल था, क्लोरीन फास्फोरस को बोलता है कि मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो, तो ऑक्सीजन बोलता है कि एक काम करो, ये जो दे दो क्लोरीन को, मैं आपके साथ बॉन्ड बनाता हूं ना, तो क्योंकि लोन पेयर है तब वो उसको दे रहा है, ठीक है। एक और एग्जांपल, जैसे ROH अल्कोहल हो गया, तो अल्कोहल जो है वो भी एज अ लुइस बेसिड के जैसा, लुइस बेस के जैसा एक्ट कर सकता है। ऑलराइट, एक शंका आपके मन में ये होगी कि सर पर वाटर तो न्यूट्रल होता है, ना तो वो एसिड होता है ना तो वो बेस होता है। तो देखो, कोई चीज एसिड है या बेस है ये इस बात पर डिपेंड करती है कि उसका पड़ोसी कैसा है, जिसके साथ आप उसका रिएक्शन करवा रहे हो वो कैसा है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए, एक बच्चा है, उसके 80% मार्क्स आए हैं, 80%, तो बच्चा पढ़ाई में अच्छा है कि बुरा है? कैसा है वो, अच्छा है कि बुरा है? आप नहीं बता पाओगे। उस बच्चे के सामने अगर मैं एक ऐसे बच्चे को खड़ा कर दूं जिसके 60% मार्क्स आते हैं, अब बताइए वो बच्चा पढ़ाई में अच्छा है कि बुरा है? यस, वो पढ़ाई में अच्छा है। लेकिन अगर उस बच्चे के सामने, 80% वाले के सामने मैं एक ऐसे बच्चे को खड़ा कर दूं जिसके 90% आ रहे हैं, अब बताइए वो बच्चा अच्छा पढ़ाई में अच्छा है कि बुरा है? बुरा है। समझ में आ रही है बात? तो कौन है उसके अड़ोस पड़ोस वाला, उस बात पे डिपेंड करता है कि हु विल एक्ट एज अ एसिड एंड हु विल एक्ट एज अ बेस। क्लियर है ये चीज? तो वाटर भले ही न्यूट्रल है, लेकिन वाटर को अगर आप HCl के सामने रख दो तो HCl विल एक्ट एज अ एसिड एंड कंपैरेटिवली वाटर क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। अमोनिया के सामने आप वाटर को रख दो, क्योंकि अमोनिया एक बेस है और वाटर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसके लिए जो वाटर है वो एसिड के जैसा एक्ट करेगा एंड अमोनिया विल एक्ट एज अ बेस। तो डिपेंड करता है कि आप किससे डील करा रहे हैं। तो जो लुइस बेस होते हैं इनके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर होता है, ठीक है, या फिर ये बोल सकता हूं एक्सेस लोन पेयर, दे हैव एक्सेस लोन पेयर, इनके पास एक्सेस लोन पेयर होता है, करेक्ट। तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि लुइस एसिड और लुइस बेस क्या होते हैं। लेकिन अब यहां पर सवाल ये आएगा कि लुइस एसिड ही क्यों इस्तेमाल किया है हमने, यहां पर लुइस एसिड ही क्यों इस्तेमाल किया है, कुछ और क्यों नहीं किया? व्हाई वी हैव यूज्ड लुइस एसिड ओनली नॉट अदर थिंग, तो क्यों हमने ऐसा किया? तो चलिए इस चीज को जरा देख लेते हैं,
इसके लिए हम इसके मैकेनिज्म को समझते हैं, ठीक है। अब देखिए मैकेनिज्म मतलब क्या, कि किस वे में चीजें प्रोसीड कर रही हैं। सो देखिए जरा क्या होता है कि आपने जो ये लुइस एसिड लिया है, ये लुइस एसिड हेलोजन को इलेक्ट्रोफाइल बनाने में हेल्प करता है, ठीक है ना। रिएक्शन क्या थी हमारी, कि बेंजीन या फिर सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिएक्ट विद हेलोजन टू फॉर्म हेलोएरिंस, राइट। ये रिएक्शन डायरेक्टली नहीं होती है, इसको फैसिलिटेट करवाता है लुइस एसिड। तो लुइस एसिड हेलोजन को इलेक्ट्रोफाइल बनाने में हेल्प करता है, ठीक है ना। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि जो लुइस एसिड मेक हेलोजन एन इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। क्योंकि बेंजीन के ऊपर कौन अटैक कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल ही। लेकिन आपने जो हेलोजन ले रखा है H2, वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, वो तो अभी मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, ऑलराइट। तो लुइस एसिड हेलोजन को इलेक्ट्रोफाइल बनने में हेल्प करता है, कैसे करता है देखो जरा इसको। तो जैसे कि एक एग्जांपल के लिए ये है यहां पर क्लोरीन, मान लीजिए ये मैंने लिया क्लोरीन, ये हेलोजन है। इसका रिएक्शन जब FeCl3 के साथ होता है, तो रिएक्शन के दौरान देखो क्या होगा, ये क्लोरीन है और ये क्लोरीन, और आप जानते हैं ना क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6, यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6, राइट। और ये यहां पर है आयरन, आयरन के पास देखिए क्लोरीन एंड दिस वन, 3 क्लोरीन है। नाउ व्हाट हैपेंस इज, ये जो क्लोरीन है Cl2 का एक क्लोरीन जो है, ये क्या करता है, चुपके से अपने इस बॉन्ड को, मतलब अपने इस लोन पेयर की हेल्प से आयरन के साथ बॉन्डिंग कर लेता है। ये देखो जैसे ये मैंने यहां पर दिखा रखा है, ऑलराइट। अब इससे क्या हुआ कि ये जो लोन पेयर है देखो, ये दोबारा दिखा देता हूं, ये देखो क्लोरीन ने क्या किया, अपने लोन पेयर से आयरन के साथ बॉन्डिंग कर ली। अब जैसे वह आयरन के साथ बॉन्डिंग कर लेगा तो आयरन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज एंड क्लोरीन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। देख रहे हो क्लोरीन ने क्या किया, अपने लोन पेयर का इस्तेमाल किया FeCl3 के साथ बॉन्ड बनाने में, स्पेशली Fe के साथ, और Fe ने एक्सेप्ट भी कर लिया, क्यों, क्योंकि आयरन डेफिशिएंट है तो उसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वहां से क्लोरीन ऑफर कर रहा था, आयरन ने ले भी लिया, तो इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड क्रिएट हो गया। अब क्या हुआ, क्लोरीन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो क्लोरीन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो बाजू वाले क्लोरीन को बोलता है कि तुम अपना ये वाला जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को मुझे दे दो और तुम चलते बनो। ये जो क्लोरीन है जिसके ऊपर प्लस चार्ज है, जो कि आयरन के साथ अटैच्ड है, ये क्लोरीन अपने बाजू वाले क्लोरीन को बोलता है कि ये जो बीच का बॉन्ड है ना, इसके इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे और तुम चलते बनो। तो चलते बनो का मतलब अलग हो जाओ। अब ये क्यों अलग होगा, जरा समझिए क्यों अलग होगा। ये इसलिए अलग होगा कि ये जो Cl प्लस है, इस Cl प्लस को सपोर्ट मिल रहा है FeCl3 का। तो ये जो है ना, ये मिलजुल करके, ये देख रहे हो, ये मिलजुल करके ये जो पूरा ग्रुप बनके तैयार हो रहा है ना, इट इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। क्या है ये है बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप। इट इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप का मतलब क्या होता है, जो छोड़ के जा रहा है। तो ये जो क्लोरीन है, ये FeCl3 के साथ जुड़ा और FeCl4 बनकर के अलग हो गया, ठीक है। ये जो है, ये FeCl4 बनकर के अलग हो गया और साथ में रह गया एक क्लोरीन का इलेक्ट्रोफाइल FeCl4, और इसके ऊपर नेट चार्ज क्या आ गया, माइनस चार्ज आ गया, देख रहे हो। तो ये जो Cl प्लस बना, व्हाट इज दिस, दिस इज एन इलेक्ट्रोफाइल, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। तो देख रहे हो, क्लोरीन FeCl3 के साथ रिएक्ट किया जिससे क्रिएट हुआ Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल, एंड साइड में क्या बना, FeCl4 प्लस। तो Cl प्लस जो है, ये एक इलेक्ट्रोफाइल के जैसा एक्ट करता है। अब आप सोचो, अगर यहां पर लुइस एसिड ना होता तो इलेक्ट्रोफाइल ही नहीं बनता। तो कल के दिन मान लो अगर आपको ऐसे रिएक्शन दे दी कि बेंजीन रिएक्ट विद हेलोजन, कोई रिएजेंट नहीं दिया है और बोला है कि बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो
तो ध्यान रखेगा कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि प्रोडक्ट बनने के लिए लुइस एसिड का होना जरूरी है, क्योंकि लुइस एसिड रहेगा तब जाकर के हैलोजन इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट होगा, और जब वो इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट होगा अब जाकर के वो बेंजीन के ऊपर अटैक कर सकता है, ठीक है, ये बात क्लियर है। अब इसके अगले स्टेप में चलते हैं हम लोग, नाउ वी शैल मूव टू नेक्स्ट स्टेप। अब हम इसमें नेक्स्ट स्टेप पे मूव करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल बना है, ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल जो है ये अटैक करेगा बेंजीन के ऊपर। तो अगला स्टेप देखिए, यहां पर देखिए, ये जो Cl+ है, नेक्स्ट स्टेप, दिस Cl+ इलेक्ट्रोफाइल इज गोइंग टू अटैक ओवर बेंजीन, ये बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा, ठीक है, ये क्या करेगा, ये बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा। अब जब ये बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा, देखिए बेंजीन के हर तरफ हाइड्रोजन होता है, एक एक हाइड्रोजन राइट हर जगह होता है, तो चलो बना ही देता हूं मैं ताकि दिखाने में आसानी हो। सो ये देखिए, ये है बेंजीन राइट, C6H6, दिस इज अ बेंजीन। तो क्लोरीन जब इसके ऊपर अटैक करेगा तो क्या होगा, जरा नोट करिए यहां पर, ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन पे आ गया Cl और इसी पोजीशन पे एक और हाइड्रोजन है, ये बॉन्ड अपनी जगह पर है, ये बॉन्ड अपनी जगह पर है, और बाकी जो हाइड्रोजन है वो अपनी ही जगह पर है, ठीक है, ये दिख रहा है। और प्लस जो चार्ज है, प्लस चार्ज यहां पर आ जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पे प्लस चार्ज आ जाएगा, नोट कर रहे हो, ये देखो ये जो क्लोरीन प्लस है, नोट करने का मतलब ध्यान देने की मैं बात बोल रहा हूं, अभी लिखो मत, अभी सिर्फ समझो इसको। तो क्लोरीन ने अटैक किया पहले वाले कार्बन के ऊपर, जो सबसे ऊपर वाला कार्बन है, इसको मैं कह रहा हूं पहला वाला कार्बन। तो क्लोरीन ने पहले वाले कार्बन के ऊपर अटैक किया। अब जब पहले वाले कार्बन के ऊपर अटैक किया तो ये वाला जो बॉन्ड है, ये देखिए मैं इसको अलग से दिखा देता हूं, ये देखो ये जो ऑरेंज कलर का बॉन्ड है, ऑरेंज कलर का बॉन्ड वहां से टूट गया, देख रहे हो ऑरेंज कलर का जो बॉन्ड है ये यहां से टूट गया और ये जाकर के क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया। तो क्या यहां पर ऑर्थो पोजीशन पे प्लस चार्ज आ जाएगा, जरा नोट करो, क्योंकि ये जो पहला वाला कार्बन है इसकी चार वैलेंसीज होनी चाहिए। तो क्या इसके पास चार वैलेंसीज है, यस, एक नीचे वाले कार्बन के साथ, एक दूसरे वाले कार्बन के साथ, दो इधर हो गए, एक क्लोरीन के साथ और एक ऊपर हाइड्रोजन के साथ, दिख रहा है, तो चार हो गए उसके। अब इसको देखो, जिस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आया है, ऑर्थो पोजीशन वाले इसके ऊपर आया है, देखो प्लस चार्ज आया, इलेक्ट्रॉन की कमी है। नाउ व्हाट हैपेंस इज, अगले स्टेप में ये जो बॉन्ड होता है ये इधर आ जाता है, ये जो बॉन्ड होता है ये इधर आ जाता है, तो ये क्या बना, सी, तो उसके बाद ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि ये जो बॉन्ड है जब ये इधर आ जाएगा, देखो ये जो बॉन्ड है इधर आ जाएगा, तो प्लस जो चार्ज होगा, प्लस चार्ज अब यहां आ गया पैरा पोजिशन पे, प्लस चार्ज जो है वो पैरा पोजिशन पे आ गया, ऊपर अभी भी क्लोरीन और हाइड्रोजन एक ही जगह पर है, ये बॉन्ड तो अपनी जगह पर है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, दिस इज द हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, 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 और यहां पर भी हाइड्रोजन है, ठीक है, ये देख रहे हो। उसके बाद अगले स्टेप में क्या होता है, अगले स्टेप में ये जो बॉन्ड है ये इधर आ जाता है, अगर ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, अच्छा ये बाय द वे ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं, ध्यान रखना है, ये इक्विलिब्रियम में रहते हैं, जैसे बेंजीन में क्या होता है कि जो डबल बॉन्ड है वो अंदर ही अंदर घूमता ही रहता है, राइट, तो यहां पर भी ये जो बॉन्ड है ये इधर आ गया। अब जब ये बॉन्ड इधर आ गया, ये जो बॉन्ड है जब ये इधर आ गया, तो एक बॉन्ड अब इधर हो गया, ये वाला बॉन्ड इधर हो गया, तो जो प्लस चार्ज होगा, प्लस चार्ज अब इधर आ जाएगा, ऑल राइट, तो ऊपर जो है क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, राइट साइड में हर जगह पर हाइड्रोजन, ये देख रहे हो राइट। अच्छा उसके बाद क्या होगा, ध्यान दीजिए, ये स्टेप के बाद ये जो ऊपर वाले कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच्ड है, ये देख रहे हो, ये ऊपर वाले कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच्ड है, इसके बॉन्ड टूट के इधर आ जाएंगे, ऊपर वाले कार्बन का हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड है ये टूट जाएगा और यहां पर आ जाएगा, राइट। तो जैसे ये बॉन्ड टूट जाएगा वैसे क्या H+ बन के अलग हो जाएगा, तो ये लो जस्ट अगला वाला स्टेप ले लो, तो देखो यहां पर क्या बना, यहां पर ये हुआ कि जो बॉन्ड है ये हाइड्रोजन का टूट के इधर आ जाएगा, तो देखो यहां डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, है ना, और बाकी जो बॉन्ड है वो तो अपनी जगह पर है ही, और क्लोरीन इधर हो गया, बाकी हाइड्रोजन अपनी जगह पर मौजूद हैं, और ये जो हाइड्रोजन है ये जो सबसे ऊपर है जिसका बॉन्ड टूट के अलग हो गया, क्या ये हाइड्रोजन एज ए H+ बोल करके अलग हो जाएगा, जरा देखो
क्या ये हाइड्रोजन H प्लस बन करके अलग हो जाएगा? जरा नोट करो, क्या हुआ यहां पर? हुआ ये कि जो क्लोरीन का जो इलेक्ट्रोफाइल है Cl प्लस, ये जो Cl प्लस है, ये Cl प्लस आया ऊपर वाले कार्बन पे अटैक किया, कार्बन पे अटैक किया, तो जो डबल बॉन्ड था पड़ोसी वाला डबल बॉन्ड ये टूट गया और ऊपर वाले कार्बन के साथ ये उसने बॉन्ड बना लिया, एक क्लोरीन के साथ और एक हाइड्रोजन के साथ। अब ऑर्थो पोजिशन पे प्लस चार्ज आ गया, फिर बॉन्ड शिफ्टिंग हुई और अब वो ऑर्थो पोजिशन का चार्ज पैरा पोजिशन पे आ गया, फिर बॉन्ड शिफ्टिंग हुई तो पैरा पोजिशन का चार्ज वापस से दूसरी तरफ के ऑर्थो पोजिशन पे आ गया। उसके बाद ऊपर का जो हाइड्रोजन जो अटैच था उसने अपने बॉन्ड को कुर्बान कर दिया और वहां पर डबल बॉन्ड क्रिएट कर दिया और खुद H प्लस बन करके अलग हो गया, खुद H प्लस बन करके अलग हो गया। तो अब आप मुझे बताइए कि क्या यहां पर ऐसा हुआ कि क्लोरीन आया और H प्लस चला गया, मतलब Cl प्लस आया और H प्लस चला गया, क्या यह सब्स्टिट्यूशन ही है? क्या यहां पर यह जो चीज है इसको हम सब्स्टिट्यूशन ही कहते हैं? क्या सब्स्टिट्यूशन है? क्लोरीन प्लस आया, ठीक है, क्लोरीन का इलेक्ट्रोफाइल आया, Cl प्लस आया और H प्लस बाहर चला गया, Cl प्लस आया H प्लस बाहर चला गया, क्या ये सब्स्टिट्यूशन ही है? क्या ये सब्स्टिट्यूशन है? यस। तो नंबर वन जो मैं यहां पर कंक्लूजन लिख के दे रहा हूं वो है कि Cl प्लस की यहां पर एंट्री हुई है एंड H प्लस जो है यहां पर एग्जिट हुआ है। पहली जो चीज है जो आपने नोटिस करी, Cl प्लस आया और H प्लस चला गया, इसी को हम लोग सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। दिस इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन। यस, इसी को हम लोग सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। और कौन सा सब्स्टिट्यूशन है ये? कौन सा सब्स्टिट्यूशन है? आने वाली जो स्पीशीज थी वो क्या थी? क्या आने वाली स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल थी? क्या आने वाली जो स्पीशीज है वो इलेक्ट्रोफाइल थी? यस, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एक आया एक गया सब्स्टिट्यूशन है और आने वाला इलेक्ट्रोफाइल था इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नंबर वन कंक्लूजन। नंबर टू जो आप नोट कर रहे होंगे, क्या आपको ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे, क्या आपको ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे प्लस चार्ज देखने को मिल रहा है? क्या आपको ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे प्लस चार्ज देखने को मिल रहा है? देखो जरा, देखो। अच्छा, जिनको याद नहीं है ऑर्थो पैरा पोजिशन क्या होते हैं, मैं एक बार दोबारा बता देता हूं, जरा नोट करिए। ये बेंजीन है, दिस इज द बेंजीन, ओके, ये बेंजीन है एंड इसके हिसाब से हम लोग सोचेंगे, ये जो है ये इसके हिसाब से सोचेंगे। मान लीजिए ये यहां पर एटम ए अटैच्ड है, ऊपर ए एटम अटैच्ड है, कुछ भी हो सकता है, वो एनिलीन है तो NH2 अटैच होगा, टॉलिन है तो CH3 अटैच होगा, व्हाटएवर। तो मैं इसके लिए जनरली उसको ए लिख रहा हूं। ए के हिसाब से देखिए, ए के हिसाब से जैसे यहां पर अटैक करने वाला कौन था? क्लोरीन था, तो ए हटा देता हूं और ए की जगह पर मैं डाल देता हूं क्लोरीन, ठीक है, ए हटा करके ए की जगह पर मैं डाल दूंगा इधर पे क्लोरीन। अब क्लोरीन के हिसाब से देखो, ये जो पोजीशन है, दिस पोजीशन इज नोन एज ऑर्थो। क्लोरीन के आजू बाजू वाली जो दो पोजीशन है इसे हम लोग बोलते हैं ऑर्थो, ऑपोजिट वाली कहा जाता है पैरा, और बाकी जो दो पोजीशन बची उसको कहा जाता है मेटा। क्लास 11th में तो ये चीजें भर भर के की गई थी। क्लोरीन जो है उसका जस्ट बाजू वाला पोजीशन है वो ऑर्थो पोजीशन है, नीचे वाले दो पोजीशन मेटा और ऑपोजिट वाला जो है वो पैरा है, करेक्ट। तो आप यहां पर नोट करिए, क्या आपको ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन में प्लस चार्ज देखने मिल रहा है, दिख रहा है? तो ये देखो, मैं यहां पे लिख देता हूं, ये जो पॉइंट है यहां पर ये देखो ये डायग्राम नंबर वन है। डायग्राम नंबर टू में देखो प्लस चार्ज कहां पर है? ऑर्थो पे है, दिख रहा है? डायग्राम नंबर थ्री में देखो प्लस चार्ज कहां पर है? पैरा पे है। डायग्राम नंबर फोर में देखो प्लस चार्ज कहां पर है? ऑर्थो पे है, दिख रहा है? और ये जो फिफ्थ वाला है इसमें तो खैर चार्ज चला ही गया, डिसअपीयर हो गया, एज एच प्लस बन करके प्लस चार्ज अलग हो गया। तो पोजीशन नंबर टू, पोजीशन नंबर थ्री, पोजीशन नंबर फोर, ऑर्थो पैरा ऑर्थो। तो यहां पर आप नोट कर रहे हैं कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में प्लस चार्ज है, ठीक है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में यहां पर जो है वो क्या है? प्लस चार्ज है, दिख रहा है? ऑलराइट। तो जब जब यहां पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, यहां पर जब जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो तब तब, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिखाया था टॉलिन वाला, ये देखो जरा, ये जो मैंने एग्जांपल दिखाया था ये टॉलिन वाला, तो टॉलिन वाले में ये देख रहे हो ये कौन सी पोजीशन है? दिस वन ऑर्थो पोजीशन। और दूसरी पोजीशन क्या है यहां पर? दूसरी पोजीशन है पैरा पोजीशन। खैर ये तो डिपेंड करता है कि आप एक्टिवेटिंग ग्रुप की बात कर रहे हो या डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की। पढ़ा था ये एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप? अगर नहीं पढ़ा है तो इसके अलग से आप वीडियो देख लीजिए। एक्टिवेटिंग ग्रुप जो होते हैं दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप, ठीक है, जो एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं ये ऑर्थो एंड पैरा पे डायरेक्ट करते हैं।
एंड जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं ये मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। एनीवेज इसके बारे में आप दूसरा वीडियो देख लीजिएगा। तो कुल मिलाकर के यहां पर आप नोट करिए कि जो हैलोजन आया है टोलुइन के मामले में जो हैलोजन आया है वो कहां पर आया है, ऑर्थो पोजिशन में एंड पैरा पोजिशन में आया है। ठीक है, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन में आया है। ऑलराइट, अच्छा तो ये देखिए, ये जो मैंने आपको यहां पर मैकेनिज्म दिखाया वो क्या था, इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफाइल का अटैक, और इसकी वजह से ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन में प्लस चार्ज जनरेट हो गया। ठीक है, तो एक बार स्टार्टिंग से जो है वो मैं बता देता हूं, बेंजीन का रिएक्शन विद हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ अ लुइस एसिड, जिससे आपको मिलेगा हेलो अरिन्स, इसे आपको मिलेगा हेलो अरिन्स। लुइस एसिड वो होते हैं जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि उनके पास लोन पेयर की कमी होती है। लोन पेयर ये जो लुइस एसिड होते हैं ये हेलोजन को इलेक्ट्रोफाइल बनाने में हेल्प करते हैं, ये हेलोजन को क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, जब इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है तो वो बेंजीन के साथ या सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के ऊपर अटैक करता है, और जब ये अटैक करता है तो एक हाइड्रोजन को वो रिप्लेस कर देता है, एक हाइड्रोजन को वो रिप्लेस कर देता है। यहां पर बेंजीन के मामले में अगर आप नोट करो तो ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन में प्लस चार्ज जाकर के क्रिएट हो गया है, प्लस चार्ज जो है वो यहां पर जाकर के क्रिएट हुआ है। ओके, एक आखिरी चीज जो है इसमें कि भाई ये तो हैलोजन हमने लिया, ये तो क्लोरीन और ब्रोमीन लिया, अगर फ्लोरीन होगा तो क्या होगा, तो भाई ये जो प्रोसेस आप कर रहे हो दिस इज नॉट मेड फॉर द फ्लोरीन, ये फ्लोरीन के लिए नहीं बना है, क्योंकि फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव है उसके लिए ये चीज नहीं है। दूसरा बात आती है आयोडीन के लिए, तो आयोडीन के लिए क्या करना है अपने को, तो देखो आयोडीन के लिए ये है सेम कि ये आपने लिया बेंजीन, दिस इज योर बेंजीन, इसका रिएक्शन जब आप आयोडीन के साथ कराओगे तो जो रिएक्शन होगा वो रिवर्सिबल होगा, जो रिएक्शन होगा वो रिवर्सिबल होगा, और जब रिएक्शन रिवर्सिबल होगा तो यहाँ पर आयोडीन आ जाएगा प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड आ गया, हाइड्रोजन आयोडाइड आया। अब इसमें नया क्या है इस रिएक्शन में, नया यह है कि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन है, मतलब ये बैकवर्ड भी जा सकती है, क्यों, क्योंकि क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड बना ना ये वापस से इसके साथ अटैच हो जाता है। ठीक है, आयोडोबेंजीन के साथ अटैच हो जाता है और वापस रिएक्टेंट आ जाता है, तो इसीलिए रिवर्सिबल है कि जो प्रोडक्ट बना वो वापस से जुड़ करके रिएक्टेंट बना लेते हैं। तो हमको कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा, हमको कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि जो हाइड्रोजन आयोडाइड है उसका इफेक्ट कम हो जाए, जो हाइड्रोजन आयोडाइड है उसका इफेक्ट कम हो जाए, हमको कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा। राइट, ओके, तो अब क्या करेंगे हम लोग ऐसा, तो कोई ऐसी चीज है जो हाइड्रोजन आयोडाइड के इफेक्ट को कम कर सकती है, क्या कोई चीज है ऐसी जो हाइड्रोजन आयोडाइड के इफेक्ट को कम कर सकती है, यस ऐसी चीज है, कौन सी चीज है वो, उसको हम बोलते हैं HNO3 या फिर HIO3, इन दोनों का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, मतलब HNO3 का भी कर सकते हो HIO3 का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये जो है ना ये दोनों एक स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट है, दीज आर स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट, ये क्या है स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये क्या करते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड को न्यूट्रलाइज करते हैं, दे न्यूट्रलाइज हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, ये हाइड्रोजन आयोडाइड को न्यूट्रलाइज करते हैं। कैसे ये न्यूट्रलाइज करते हैं, देखिए ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड बना ये रिएक्ट करता है जब HIO3 के साथ, तो ये बन के तैयार होता है 3H2O, ये बन के तैयार होता है 3H2O प्लस 3I2, ओके अब थोड़ा सा बैलेंस कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5, है ना, तो 5HI प्लस HIO3 गिव यू 3H2O प्लस 3HI, तो ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड बना इस हाइड्रोजन आयोडाइड का HIO3 ने एक अलग प्रोडक्ट बना लिया, क्या बना लिया, आयोडीन बना लिया और वाटर बना लिया। अब जैसे ये आयोडीन और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है तो हाइड्रोजन आयोडाइड की जो प्रॉपर्टी है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो वापस से रिएक्टेंट के साथ वो वापस आयोडोबेंजीन के साथ रिएक्ट नहीं हो पाता है। ठीक है, तो जब कभी भी आप आयोडीन का रिएक्शन करेंगे तो याद रखिएगा आपको ये लेना बहुत जरूरी है, क्या HNO3 HIO3, क्योंकि ये जो दोनों स्पीशीज हैं ये रिड्यूसिंग एजेंट हैं और ये क्या करते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड के इफेक्ट को कम कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। अदरवाइज अगर प्रोडक्ट में हाइड्रोजन आयोडाइड होगा तो वो वापस आयोडोबेंजीन के साथ रिएक्ट करके रिएक्टेंट बना लेता है और प्रोसेस आपका वापस से रिवर्सिबल चला जाएगा। ऑलराइट, सो दिस वाज द प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मेरा रिकमेंडेशन यहां पर यह है कि आप लोग एक बार एक्टिवेटिंग ग्रुप डीएक्टिवेटिंग ग्रुप देख लीजिए
ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, इसको इसके बारे में देख लीजिए, आपको ये चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी।